दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तड़केदार किचन में। आज मैं आपको चना दाल नमकीन बनाने की आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका स्वाद मार्केट में मिलने वाली नमकीन से भी अच्छा होगा और इसे आप हाइजीन तरीके से बहुत आसानी से घर पर बना सकते हो। सबसे पहले चना दाल लेना है, इसे 5 से 6 घंटे भिगो कर रख दे, फिर इसमें से पानी निकाल दे, फिर इसे किसी कॉटन के कपड़े से सुखा ले। कढ़ाई ले, उसे गैस पे चढ़ा दे, उसमें तेल को डालेंगे। फिर उसे गरम होने देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने चने दाल को रात भर भिगो के उसे सुखा लिया है कॉटन के कपड़े से। इसमें यूज होने वाले मसाले लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, सादा नमक, जीरा पाउडर और काला नमक लिया है। जब तेल गर्म हो जाए फिर उसमें एक चना दाल को डाल के देख लेंगे। जब आपको लगे कि तेल गर्म हो गया है फिर इसमें चना दाल को डाल के तलेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। आप इसको उठा के ऐसे गिराओगे तो उसमें आवाज आएगा चना दाल में, तो समझिए चना दाल पक चुका है। अभी ये पका नहीं है। देखिए अब ये हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे तेल से। इसे आप टिश्यू पेपर पे रख डाल दें, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इसमें टिश्यू पेपर सोख ले। ऐसे ही आप सारे चने दाल को तल लें। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, सारे मसाले को एक में मिक्स कर लें। जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप मसाले इसमें डालिए, तब इसमें मिक्स करने में परेशानी नहीं होगी, ये अच्छा से चिपक जाएगा मसाला इसमें।
देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है मार्केट के जैसा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।